28 अक्टूबर की शाम करीब 4:30 पर गौरी खान का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आज भी मुंबई हाई कोर्ट में आरएन की बेल पर सुनवाई चल रही थी और कोर्ट की सुनवाई खत्म होने में महज आधे घंटे का ही वक्त बाकी था। अब तक ना जाने कितनी बार ऐसा हो चुका था कि आरएन की बेल खारिज हो गई, बेल की सुनवाई अगले दिन के लिए टल गई और 28 अक्टूबर की शाम भी बस कोर्ट थोड़ी देर में बंद होने ही वाली थी और गौरी खान मन्नत के अंदर बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी कि काश कहीं से कोई गुड न्यूज आ जाए। और आखिरकार करीब 4:40 पर कोर्ट रूम के भीतर से शाहरुख की वाइफ गौरी को टेक्स्ट मैसेज मिला कि आर्यन को बेल मिल गई है। अगले 5 मिनट के भीतर यानी करीब 4:45 पर यह खबर तमाम मीडिया चैनल्स पर ब्रेक हो चुकी थी। शाम के 5:00 आर्यन खान और शाहरुख सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। शाहरुख के फैंस के आंसू छलक रहे थे और वो अपनी अपनी तरह से अपनी खुशियां एक्सप्रेस कर रहे थे। भले ही मन्नत के बाहर फैंस दिवाली मना रहे थे लेकिन मन्नत के अंदर गौरी की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। आर्यन को बेल मिलने की खुशनुमा खबर ने गौरी के दिल में पिछले 25 दिनों की यादों को एक बार फिर से कुरेद दिया था। पिछले 25 दिनों से जेल में कैद आर्यन भले ही रात को कुछ पलों के लिए सो जाते हों लेकिन माँ गौरी और पापा शाहरुख की रातों की नींद उड़ी थी। बिस्तर भले ही आरामदायक हो लेकिन जब औलाद पास में नहीं हो तो भला माँ गौरी कैसे सोती। आखिर जिस जिगर के टुकड़े को 9 महीने कोख में पाला हो वो लगभग पूरा 1 महीना जेल की काल कोठरी में बिताए, सूखी दाल रोटी खाए तो भला माँ को कैसे नींद आएगी। और यही सारा गम आंसू बनकर बाहर निकल पड़ा जब पूरे 25 दिन बाद शाम को गौरी को आर्यन की जमानत मंजूर होने की खबर मिली। अब आर्यन का वेलकम करने के लिए गौरी तैयार है। आज पहली बार गौरी भागते हुए शायद मन्नत के गेट पर अपने बेटे को गले से लगाने के लिए दौड़ी चली आएंगी। आर्यन जैसे ही जेल से बाहर निकलेंगे वो सबसे पहले अपनी माँ गौरी से ही वीडियो कॉल पर बात करेंगे। जेल से घर का फासला तय करना गौरी और आर्यन दोनों के लिए एक इमोशनल जर्नी से कम नहीं होगा। एक एक मिनट दोनों माँ बेटे के बीच कितने लंबे लम्हों की तरह होगा इसका आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। लेकिन खैर एक माँ के लिए राहत की बात यही है कि अब आखिरकार उसका बेटा उसके पास वापस लौट रहा है। एक पिता यानी शाहरुख को इस बात का संतोष होगा कि आखिर वो अपने बेटे को घर वापस लेकर आए। आज सही मायने में मन्नत में दिवाली सजेगी। गौरी और शाहरुख अपने हाथों से मन्नत की मुंडेर पर आर्यन की वापसी की खुशी में एक एक दिया रखेंगे। हमारी तरफ से भी शाहरुख की पूरी फैमिली को इस खुशनुमा लम्हे के लिए बधाई। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।